हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। फ्रेंड्स, मैं सिविल इंजीनियर प्रोफेशनल आरआईसीएस सर्टिफाइड क्वांटिटी अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटो कैड की कमांड्स के बारे में। फ्रेंड्स, हम काफी सारे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप यूट्यूब पे जाके आप हमारे वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें कि हमने काफी सारे कमांड्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपसे। और ये एक उसी सीरीज के अंदर ये एक नया ट्यूटोरियल है जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे ओ स्नैप सेटिंग्स एंड एंगल क्रिएट कैसे किया जाता है ऑटो कैड के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस ट्यूटोरियल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इन फ्यूचर में जब भी हम इस टाइप के कोई भी ट्यूटोरियल आपको बनाते हैं अपने वेरियस कोर्सेज के बारे में तो आपको एक अपडेट मिलता रहे और आप काफी सारी नॉलेज जो है फ्री में गेन कर सके। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने ट्यूटोरियल्स में सिखाने जा रहे हैं वो स्नैप सेटिंग्स एंड लाइन में एंगल्स कैसे क्रिएट किया जाता है ऑटो कैड के अंदर। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो है पेज क्रिएट कर रखा है। अगर आपको भी पेज क्रिएट करना है या नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं हमारे ट्यूटोरियल से। हमने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल जो है बना रखा है इसके ऊपर, आप जाके वीडियो लिंक में नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वहां पर हम लोग दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ओ स्नैप सेटिंग की। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ऑटो कैड के अंदर फ्रेंड्स एंटर और स्पेस बार एक ही काम करता है। आप स्पेस दबाइए चाहे एंटर दबाइए, दोनों एंटर का ही काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक लाइन क्रिएट करते हैं और इसको देखिए फ्रेंड्स, ये अभी लाइन क्रिएट हमने कर दी है। अगर हम एक और लाइन क्रिएट करने जा रहे हैं, आप एंड पॉइंट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है। बिकॉज आपको मैं दिखाना चाहूंगा क्यों आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है एंड पॉइंट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, ना सेंटर पॉइंट मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा, कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा नेक्स्ट लाइन के लिए। ये बिकॉज क्योंकि ओ स्नैप सेटिंग अभी ऑफ है। तो आप दबाएंगे ओ एस एन ए पी, ओ स्नैप, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ओ स्नैप सेटिंग का बार खुल जाता है और इसमें जो है सारे के सारे कोई भी हमने अभी सिलेक्ट नहीं कर रखा है। तो अगर आप जैसे ही एंड पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, अब देखिए क्या इससे इफेक्ट पड़ता है हमारे कमांड्स के ऊपर। जैसे हमने एंड पॉइंट क्लिक किया, ओके किया, अब देखिए फ्रेंड्स, आप जाते हैं एल कमांड देते हैं लाइन कमांड के लिए और यहाँ देखिए, अब ये देखिए एंड पॉइंट यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स, एंड पॉइंट कैसे क्रिएट होता है ये आप ओ स्नैप सेटिंग्स में आपको होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा एंड पॉइंट कैसे सेलेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आप वैसे ही ओ स्नैप दोबारा से देखिए, वो स्नैप्स दबाएंगे, एंटर करेंगे, आप इसको अनबॉक्स अनक्लिक कर दीजिए, इसको देखिए, आप दोबारा से लाइन कमांड दीजिए, देखिए यहाँ पर दोबारा से ये हट गया है। तो उसके बाद वो स्नैप करेंगे, वो स्नैप दोबारा से देखिए, वो स्नैप्स किया, एंटर किया और देखिए एंटर करने के बाद इसको आपने सेलेक्ट किया और एंड पॉइंट को ओके कर दिया। आप देखिए जैसे ही आप एल कमांड देंगे ये इसका एंड पॉइंट जो है दिखाना शो करना शुरू कर दिया है। तो वैसे ही हम दूसरी सेटिंग्स को देखते हैं, ओ एस एन ए पी, ओ स्नैप्स, एंटर। जैसे ये बॉक्स दोबारा से खुलेगा, मिड पॉइंट, देखिए मिड पॉइंट जैसे आपने सिलेक्ट किया, अब एल कमांड देंगे या आप एल कमांड दे रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिड पॉइंट है इस पूरी लेंथ का, ये मिड पॉइंट है, लाइन का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब अब आपका मिड पॉइंट भी एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद थर्ड कमांड की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, आप ओ एस एन ए पी एंटर करेंगे, थर्ड कमांड आपने किया, सेंटर कमांड, सेंटर कमांड आपने ओके किया, इसको सेंटर करेंगे, ओके किया आपने। अब अभी जैसे ही आप एक सर्कल क्लियर करेंगे, सी से हमारा होता है सर्कल, आपने एक सर्कल क्रिएट किया। तो जैसे ही आप सर्कल क्रिएट करेंगे उसके बाद एंटर करेंगे, आप एक लाइन कमांड देने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सेंटर इसका शो करना स्टार्ट कर देगा। देखिए ये सेंटर इसका शो कर रहा है, दैट मीन्स कि सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, सेंटर कमांड आपकी काम कर रही है। सी करेंगे और देखिए, अब दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ सी का, ओ एस एन ए पी, एंटर, आपने सी ये देखिए यहाँ से अनबॉक्स कर अनक्लिक कर दीजिए, अनसेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद दोबारा से आप लाइन कमांड देने की कोशिश करेंगे और यहाँ देखिए फिर दोबारा से जो है आपका ये सेंटर नहीं दिखा रहा है। इसको वापस लाने के लिए आपको दोबारा से ओ एस एन ए पी एंटर करेंगे, देखिए ये आपने फिर सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से ये देखिए आपका जो है लाइन कमांड देंगे, ये आपका सर्कल जो है ये आपका सेंटर जो है दिखा रहा है, यहाँ पर सर्कल जो है सेंटर इसका दिखा रहा है। उसके बाद देखिए दोबारा से और कमांड देख लेते हैं फ्रेंड, ओ स्नैप करेंगे, ओ एस एन ए पी, एंटर किया आपने, एंटर करेंगे तो ये अब नोड है, ये इंटरसेक्शन है,
एक्सटेंशन है, इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर को मैं दिखा देता हूँ, परपेंडिकुलर कैसे काम करता है फ्रेंड्स. तो देखिए फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर मीन्स आप देखिए, अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींचना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अभी कोई भी निशान नहीं दिखा रहा है, कोई भी सिंबल्स इसका नहीं आ रहा है. आप OSNAP एंटर करेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, ओके किया आपने, देखिए फ्रेंड्स ये देखिए परपेंडिकुलर का अब ये निशान यहाँ पर आने लगा है. यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं L, जिस टाइप से बनता है ये परपेंडिकुलर का सिंबल. आपको यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे अब ये इसके वर्टिकल परपेंडिकुलर पोजीशन पे खड़ा हुआ है. उसके बाद हम दोबारा से कमांड ले लेते हैं, OSNAP में हम लोग एक और कमांड को एक्टिवेट करते हैं, टेंजेंट. टेंजेंट आप समझते हैं, एक सर्कल के सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर जब कोई भी लाइन छू के जाती है तो उसको कहते हैं टेंजेंट. तो आप यहां से टेंजेंट जो अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ये देखिए टेंजेंट का यहां पर ये आप देख सकते हैं, यहां पर इस लोकेशन के ऊपर यहां पे हमारा कर्सर है, वहां पर देख सकते हैं ये इसका टेंजेंट पॉइंट है और यहां से हमने इसको आगे मूव कर दिया. तो मतलब यहां पर जो है फ्रेंड ये टेंजेंट पॉइंट है इसका, ठीक है फ्रेंड्स. तो दोबारा दिखा देते हैं टेंजेंट पॉइंट कैसे क्रिएट होता है. लाइन कमांड दिया आपने, यहां पर क्लिक किया, ये देखिए ये टेंजेंट आप दिखा रहा है, ये इसका टेंजेंट है. आप इसको यहां पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेंजेंट पॉइंट इसका दिखा रहा है. ये हमने क्लिक किया, ये देखिए ये फ्रेंड मतलब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, किसी ने एक पर्टिकुलर पॉइंट सर्कल के ऊपर जब कोई भी लाइन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब इसको सेलेक्ट करते हैं तब वो एक टेंजेंट कहलाता है. तो देख सकते हैं आप ये इसके ऊपर टेंजेंट हमने क्रिएट कर दिया है. तो फ्रेंड और एक कमांड देख लेते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर नियरेस्ट देख लेते हैं. नियरेस्ट पॉइंट क्या कहता है, नियरेस्ट और नियरेस्ट पॉइंट फ्रेंड्स ये हम लोग जैसे ही लेंगे एल कमांड लेंगे तो ये जो है नियरेस्ट पॉइंट जब हम लोग देंगे तो ये देखिए ये फ्रेंड नियरेस्ट पॉइंट इसका यहाँ पर दिखा रहा है. ये नियरेस्ट पॉइंट का ऑब्जेक्ट जो आया था, ये देखिए ये इसका नियरेस्ट पॉइंट है, स्पेसिफाई नियरेस्ट पॉइंट. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी आता है नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये जो है नियरेस्ट पॉइंट का सिंबल हमारा होता है. तो फ्रेंड्स ये तो हो गई बात हमारी OSNAP सेटिंग्स की. OSNAP सेटिंग को कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, OSNAP, और उसके बाद जब भी कोई OSNAP लिखने के बाद हमारा डायलॉग बॉक्स जब खुलता है उसके अंदर काफी सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं, तो हमें वही चूज करने हैं जो कि हमें काम आने वाले हैं या फिर जो हमारे काम के हैं या हमें जिनसे काम पड़ सकता है, हम लोग उन्हीं को चूज करते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स एंगल कैसे क्रिएट होता है, एक एंगल कैसे क्रिएट होता है. ये देखिए फ्रेंड्स एंगल को कैसे क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं. लाइन एल कमांड दिया हमने, 10,000 mm की एक लाइन जो है हमने क्रिएट कर दिया, एक लाइन क्रिएट की हमने 10,000 mm की. उसके बाद जो है 10,000 mm की लाइन क्रिएट किया, मतलब 10 मीटर की हमने लाइन क्रिएट किया. यहां से फिर हमने शिफ्ट एट द रेट दबाना है और उसके साथ में शिफ्ट एट द रेट आप जैसे दबाएंगे यहाँ पर फिर डायमेंशन आपसे पूछेगा कितना डायमेंशन देना है. फिर टैब दबा के आप दूसरे सेल में जाते हैं, यहाँ पर लेस देन का निशान देना है और 45 डिग्री का आपने एंगल दिया. तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी जो है ये हमारा एंगल क्रिएट हो गया है. यहाँ पर आप एंगल मेजर करना चाहें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा 45 डिग्री का हमारा, ये देखिए आप देख सकते हैं 45 डिग्री का एंगल हमारा क्रिएट हो गया है. एक और बार रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स इस कमांड को. एल कमांड देके आपने लाइन खींच देनी है 10,000 mm की, जो भी आपकी लेंथ है वो आपने खींच देनी है. एक लाइन खींच जाएगी, उसके बाद आपने शिफ्ट दबाना है, एट द रेट दबाना है और शिफ्ट दबा के एट द रेट जैसे ही आप दबाएंगे फिर आपसे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा एट द रेट करके. उस पर आपने पहले बॉक्स में आपने लेंथ लिखनी है, कितनी डायमेंशन आपने देनी है. फिर टैब लगा के दूसरे बॉक्स में जाना है, यहाँ पर आपने फिर एंगल चूज कर लेना है. तो आप हम यहाँ पर 65 का एंगल दे देते हैं, एंगल कर देते हैं ओके. और उसके बाद देखिए ये लाइन क्रिएट हो गई है. अब इसको मेजर करना है आपको, इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे जैसे ही इस तरफ का एंगल देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एंगल आपको शो करेगा 65 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ गया. तो फ्रेंड्स जो है आप इस टाइप के छोटे छोटे वीडियो से जो है फ्रेंड्स आप ऑटो कैड सीख सकते हैं फ्री में, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के ट्यूटोरियल्स के थ्रू.
और होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। वी हैव मेनी कोर्सेज फॉर अ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, हो आठवीं हो, दसवीं हो, बारहवीं हो, ग्रेजुएट हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, सिविल से, आप ये कोर्सेज लोएस्ट कोर्स फीस के अंदर ऑल इंडिया के अंदर जो है हम परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर से परस्यू कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ऑटो कैड और रैबिट और QS जैसे कोर्सेज को सीख सकते हैं विद लोएस्ट कोर्स फीस इन ऑल इंडिया। वी हैव 100% जॉब असिस्टेंस फैसिलिटी फॉर ऑल, नॉट फॉर ओनली फॉर अवर स्टूडेंट, हम लोग सबके लिए जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो हमारा स्टूडेंट है चाहे नहीं है। तो भी हम लोग ट्राई करते हैं कि सिविल इंजीनियर्स में अगर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर कोई जॉब सीकर्स जॉब ढूंढ रहा है तो हम उसकी प्लेसमेंट अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाएं। तो फ्रेंड्स, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।